हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है मैनी और मेरा नाम है रीनू। तो आज हम आए हैं यहाँ पे साइप्रस में, और आप दिखाने वाले हैं कि साइप्रस कैसी कंट्री है, यहाँ पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो और थोड़ी सी हिस्ट्री साइप्रस के बारे में। तो अगर आप चैनल में नए हैं, हम आपको बता दें अपने बारे में। हम यूके पिछले कई सालों से रह रहे हैं, हम यूके से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। और इस बार हम आए हैं यहाँ पर 2 वीक्स के लिए इन साइप्रस, और आपको साइप्रस घुमाने के लिए। और अभी हम सुबह अपने अपार्टमेंट में, जो हमने भी एयरबीएनबी रेंट किया हुआ है, वहां से अभी हम निकल रहे हैं। और हमारा ओटीटी आज का, मैंने पहनी है ये ड्रेस क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऑब्वियसली इसलिए आपको कुछ कूल सा पहनना ही सही रहेगा, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है। और मनप्रीत ने भी शॉर्ट्स एंड टी शर्ट विद कैप। और ऑब्वियसली बाहर आज इतनी धूप नहीं है, टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री है बाहर। और हमने एक गाड़ी हायर की हुई है यहाँ पर अपने पूरे 2 वीक्स के लिए। पूरा हम कोस्टल एरिया ट्रेवल करने वाले हैं साइप्रस का। इस टाइम हम है नॉर्थ साइप्रस साइप्रस पहले एक पूरी एक कंट्री होती थी, ब्रिटिश ने यहाँ पे भी में। कॉलोनाइजेशन की है, और जब ब्रिटिश यहाँ से गए उसके बाद 1960 समथिंग में कहीं एक टाइम पे इंडिया में दंगे वगैरह जब हुए थे, वैसे यहाँ पे भी हुए बिटवीन साइप्राइट। और उसके बाद क्या हुआ कि जो टर्किश कंट्री जो है उन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की, और उन्होंने एक पार्ट जो था साइप्रस का वो उस पर क्लेम करना शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़े और बहुत सारे मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन जो थे उनकी वो बलि चढ़े हैं इस चीज के, एंड आज भी ये पार्टीशन है। तो अगर आप साइप्रस आ रहे हैं तो याद रखिए साइप्रस दो तरह का है, दो पार्ट हो चुके हैं साइप्रस के, एक है नॉर्थ साइप्रस एक है साउथ साइप्रस। तो अभी हम है नॉर्थ साइप्रस में, तो बिना देरी के आज की वीडियो हम शुरू लेट्स करते गेट हैं। स्टार्टेड। देखो यार यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे देखो टंकी का क्या सिस्टम है, सब टंकियों में मोटर लगी हुई है। तो अपनी गाड़ी खड़ी है ये। तो यार गाड़ी को ना डोर खोल के थोड़ी देर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही हिसाब है जैसे इंडिया में ना, अंदर बम फटा होता है। जैसे यहाँ पर वो जो आप देख रहे हो ना बैक साइड पे, जो यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा होगा, वैसे ऊपर से फ्लैट से नज़र आता है, वो दूर जो आपको ग्रीन ग्रीन थोड़े से पॉइंटेड पॉइंटेड से ट्रीज नजर आ रहे हैं, वो है बॉर्डर साउथ साइप्रस का। कल बताना क्या हुआ इलीगल तरीके से साउथ साइप्रस का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। नहीं, था। एक्चुअली हमें पता नहीं था क्योंकि साउथ साइप्रस साइप्रस इतना पास है और कुछ जगह है जो 15-15 मिनट की ड्राइव पे है, तो हमने एक जगह डाली और हमें लगा कि वो जगह नॉर्थ साइप्रस में है। तो ऑब्वियसली आपको मैप बताता नहीं है कि नॉर्थ साइप्रस है या साउथ साइप्रस है। हम निकल गए, मैप को फॉलो करने लगे, जो हमारे आगे देख रहे थे इमिग्रेशन कंट्रोल। ये क्या इमिग्रेशन कंट्रोल लेगा, गाड़ियां रोक रही हैं, रोक रहे हैं और कुछ चेक 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 हो रहे हैं। तो फिर मनप्रीत ने बोला ओहो लगता है हम साउथ साइप्रस की तरफ क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो ये तो हुआ। बेसिकली फंस गए थे हम डिपोर्ट होते होते बच गए। तो पता नहीं मेरा दिमाग काम कर गया या क्या बात हो गई, ऊपर वाले की कृपा हुई। तो मैंने कहा यार एक बार पूछ लेते हैं उनसे, ये यहाँ पर इतनी चेकिंग क्यों हो रखी है। और क्यों, ऑब्वियसली वहाँ पर ना सारा कुछ इनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा था, तो लोकल लैंग्वेज हमें समझ आती नहीं है। तो हमने अंदाज़ा लगाया क्योंकि वहाँ पर पुलिस थी और बैरियर्स लगे हुए थे, तो मुझे लगा यार ये कहीं बॉर्डर ना हो, मतलब हमारे फ्लैट से ना ऊपर ऊपर से बॉर्डर दिखता है, और यहाँ पर एक फेंसिंग है जो कि आर्मी की फेंसिंग है, तो माइट बी वो नो मैंस लैंड होगा या क्या होगा, वो तो बिल्कुल सामने नजर आता है। टेम्परेचर मेरी गाड़ी का बता रहा है 31 डिग्री टेम्परेचर है आज। वैसे इतना फील नहीं हो रहा कि 31 डिग्री। चलो फिर पोस्ट को डालो और हम चलते हैं वहां पर, आपको स्ट्रेट वहीं पे मिलते हैं। लोग गाड़ियों के इतना शौकीन है ना यहाँ पर, इतनी यहाँ पर रेंटिंग कार्स और शोरूम्स, लेकिन ये आप अवेलेबल है रेंट के लिए, नीचे लिखा हुआ है रेंट कार। अच्छा हाँ ये सब रेंट कर सकते हो यहाँ पर। ये लोग ना गाड़ियों पे आई थिंक बड़ा पैसा यूज करते हैं, हाँ, यहाँ पे रेंज ओवर ऑडी शॉडी पोज वगैरह सब आम। लोग शौकीन तो है यहाँ पर, एक तो बात मानने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जब सिटी में जाते हो ना या फिर कहीं मेन एरिया में जाते हो, वो आपको दिखता है, मतलब यंगस्टर गाड़ियों पे घूम रहे होते हैं। मुझे पता नहीं, अभी मैं रिसर्च करूंगा जाके, लेकिन मुझे यहाँ तक, यहाँ पर अभी नॉर्थ साइप्रस में अभी तक कोई भी ट्रेन स्टेशन नजर नहीं आया है ना, मुझे लगता है ही ट्रेन नहीं यहाँ ट्रेन पर स्टेशन कोई कोई भी ट्रेन स्टेशन नहीं है, और यहाँ पर बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस इतनी ज़्यादा सही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर आओगे ना तो कार ज़रूर रेंट करना, क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे रहोगे ना तो फिर तो आपको मज़ा नहीं आएगा, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको काफ़ी आधा घंटा मिनिमम ट्रैवल करना ही पड़ता है। तो जैसे अभी हम जा रहे हैं तकरीबन 23-25 माइल्स दूर है जो हमारा फ्लैट है, एक पोर्ट है वहाँ जा रहे हैं, और तकरीबन आधा पौना घंटा हमें ड्राइव करके जाना पड़ रहा है, सिर्फ 23 माइल्स, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैफिक बढ़ी है। तो गाड़ी इज मस्ट इन नॉर्थ साइप्रस। कहते हैं 365 डेज में से 300 डेज यहाँ पर सनशाइन रहता है, थोड़ा
थोड़े से दिन जो होंगे वो बारिश के रहते होंगे, लेकिन 300 दिन यहाँ पर मस्त धूप धूप निकलती है। निकलती है। तो अभी हम मनप्रीत को लेना है राउंड अबाउट पे कंटिन्यू स्ट्रेट। यहाँ पे गर्मी के मजे भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जिनको मजे लेने होते हैं गर्मी के, वो गर्मी के मजे भी ले रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली गर्मी भी एक हद तक ही टॉलरेट होती है, ज्यादा हो जाए जैसे यहाँ पे ये वाली गर्मी टॉलरेट हो जाती है। काफी बिल्डिंग्स ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब लगातार डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, और लगता है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट जो भी है, टर्किश गवर्नमेंट है बेसिकली, तो वो यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट भी कर रही है, अब शुरू कर दिया है उन्होंने, यहाँ पे ये भी लोग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे हैं। अरे पहला साइन, अरे मैंने सोचा उसका साइन है ट्रेन का, लेकिन ये बस नहीं है, नहीं बस है, नहीं, ट्रेन यहाँ पे है ही ट्रेन नहीं। ही है ना। मुझे लगता है सैड ने बता रहा है कि डेस्टिनेशन इज लाइक हाफ अ फोर माइल मिनट्स अवे फोर मिनट्स अवे। या हाँ 4 मिनट्स अवे। कायरेनिया हार्बर पे जा रहे हैं यार, मुझे ना पेट्रोल भी डालना है, आई थिंक हाफ टैंक हो चुका है। इस गाड़ी की एवरेज भी अच्छी दे रही है, अभी तक हमने 380 किलोमीटर चला चुके हैं, और गाड़ी की एवरेज आ रही है 16.2 किलोमीटर पर लीटर, तो ठीक है, मतलब अच्छा है, अपनी मारुति वाली एवरेज है ना इसका। अब्रॉड जाना है विदाउट वीजा, और ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपको बीच वाइब मिले, माउंटेन्स मिले, एक अच्छा वार्म वेदर मिले, जिस हॉट वेदर नहीं वार्म वेदर मिले, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। चीप भी है और कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, और साथ में खाना वाना यहाँ पे बहुत अच्छा है। मतलब ऑब्वियसली आप थाईलैंड शाईलैंड उस साइड तो जा ही सकते हो, बट एट द सेम टाइम बिना वीजा के आप यहाँ भी आ सकते हो। लेकिन मुझे लगता है थाईलैंड वगैरह में ई वीज़ा आपको लगाना पड़ता है शायद, है ना, जस्ट बुक योर फ्लाइट मतलब एंड। बेसिकली यहाँ पर ना आपको इन्फॉर्म भी नहीं करते, एक होता है ना जैसे फिर आपको कुछ मिनिमम फी भरनी पड़ती है वीजा की, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपको पासपोर्ट होना चाहिए आपका 6 मंथ्स का वैलिड टू एंटर नॉर्थ साइप्रस, और किसी के लिए, किसी कंट्री के लिए, सिटीजन के लिए भी, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मतलब कोई भी सिटीजन हो ना, सिवाय एक दो कंट्रियों के, वो मैं नाम नीचे डालूंगा, उन कंट्रियों को छोड़ के कोई भी बंदा यहाँ पर, एज लॉन्ग एज यू गॉट 6 मंथ्स ऑफ वैलिड पासपोर्ट, आप टिकट यहाँ का। पर आ सकते हो विदाउट एनी वीजा। और एक और चीज साथ में, क्योंकि हम जब भी कहीं भी जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट, हम कार हायर कर लेते हैं, यूरोप जाते हैं तो कार हायर कर लेते हैं, टू बी एंड दैट इज ओनली क्योंकि हमें होता है कि पूरा सिटी एक्सप्लोर करें, देखें। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, मेन अट्रैक्शन जो होती है उसके अलावा भी जगहें बहुत सारी देखने वाली होती हैं जो जो हम मिस नहीं करना चाहते होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी गाड़ी बुक कराई है। बट यहाँ पे मोस्टली ट्रेंड ये होता है कि यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव, जिसमें आप अपनी हॉलीडे बुक करो, जिसमें खाना पीना मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर ट्रिप, आपकी फ्लाइट्स लेके खाना पीना, और आराम से बैठ के बीच के पास बैठ के चिल करो। तो अभी आप देख सकते हो मैप पे भी दिख रहा होगा, ये यहाँ से जाके लिटरली हम जहाँ पे हमारा स्टॉप है वहाँ पे आगे जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है वो सारा समुंदर है मेडिटेरियन से। ट्रैफिक का गाड़ियों का हिसाब मैंने देखा है वही है, मतलब ये भी नहीं था ना, यहाँ से मोड़ काटना पड़ेगा ऑफिस, है ना। देखा कोई किसी को जगह नहीं देता, वही मतलब जैसे नॉर्मल ड्राइविंग होती है, जैसे हम जब घर जाते हैं वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। कोई खास रूल रेगुलेशंस छोटे टाउन्स में जैसे फॉलो नहीं करते टैक्सी वैसे। टैक्सी हाँ स्टैंड पे आ गया मैं। ये टैक्सी स्टैंड है, देखो टैक्सीज लगी हुई हैं और मनप्रीत को पता भी नहीं चला। नहीं मैंने सोचा यहाँ से निकलूंगा, पीछे से रास्ता है जाने का, लेकिन ये सिर्फ वन वे था। तो यार पार्किंग हमें मिली है यहाँ पर, लगाई हमने पीछे गाड़ी, अभी हम बिल्कुल हार्बर के सामने पार्क किया, मतलब हार्बर हमारा यार पीछे जो है ना, ये हार्बर है और ये है कैसल। इस कैसल का भी हवेली आपको हमें बताते हैं क्या है, पर अभी हम जा रहे हैं आगे। मुझे लगता है ये रेस्टोरेंट जो है ना, ये शाम को भरा होता होगा क्योंकि अभी ये ओपन नहीं है, तो अभी ये तैयारी कर रहे हैं, सफाई सफाई कर रहे हैं, पीछे टर्किश म्यूजिक म्यूजिक लगा हुआ है, और लुक एट दिस व्यू, ब्यूटीफुल। ऊपर जाना है हमें कैसल में, आई होप अलाउड हो। और यार क्या पानी है, ये हुआ ना कसम से, दिस इज द थिंग आई वाज वेटिंग फॉर। वहां दो बंदे हैं वो फिशिंग कर रहे हैं, वहां पर कुछ म्यूजिक चल रहा है यार, मतलब हॉलीडे वाली फीलिंग आ रही है। वहां पर भी देखो, वहां पर बंदे स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूबा डाइविंग होती है, लेकिन आपको ऑब्वियसली वो स्पोर्ट्स जो है ना वो बुक कराना पड़ता है। पीछे वहां पर स्पीड बोट में कोई बोटिंग कर रहा है बीच में समुद्र के, वाह यार, यहाँ पर फिशिंग रॉड्स लगी हुई हैं, बंदे ने अपनी हुक करके मछलियाँ पकड़ रहे हैं, है ना, क्या जिंदगी है यार।
हम भी आज आज का डिनर हमारा यहीं से निकालते हैं। फ्रेश मछली पकड़ के, फ्रेश मछली पकड़ के। ओ यार मुझे टॉवल भूल गया यार घर में, फ्लैट टॉवल के में अपना टॉवल रह गया। मैं अपना स्विमिंग ट्रंक तो लेके आया हूँ लेकिन टॉवल रह गया। मेरी गर्मी है वैसी गर्मी जो आपको पसंद है, मुझे इतनी अच्छी लग रही है। मतलब गर्मी चुभने वाली गर्मी नहीं है, मतलब होता है ना सर्दियों वाली गर्मी, हवा हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, क्योंकि सी कोस्ट के पास है। मतलब आई थिंक मैं मुंबई तो नहीं गया लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई में ऐसा वेदर होगा, मतलब 30 तक जाता है वहाँ पर लेकिन आपको फील नहीं होती गर्मी। वेदर यहाँ पर 30 डिग्री है लेकिन इट डजंट फील लाइक दैट, बिल्कुल फील नहीं होता। और यार वाह, आई थिंक ये रेस्टोरेंट है ना, ये यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी बोट है और मैं उस पर देख रहा हूँ ट्रिप एडवाइजर का स्टिकर लगा हुआ है, तो मुझे लगता है ये या तो हायर करने के लिए अवेलेबल है या फिर इसके अंदर ना रेस्टोरेंट है या कैफ़े है। तो अभी हम जाके देखते हैं क्या है ये, पर यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आएंगे। उससे पहले वन पे मेरी फोटो लगा। ऑफ कोर्स। तो ये जो है ना, ये जो सेल बोट है इसको आप हायर कर सकते हो और वहाँ पर वो स्टिकर लगा हुआ है वो स्कैन करके आप हायर कर सकते हो, या फिर आप ट्रिप एडवाइज़र पे जा सकते हो और उसको बुक कर सकते हो। और ये जो स्कैन बार कोड है ना इसको स्कैन कर सकते हो, और ये फ़ोन नंबर भी है दिया हुआ है। तो ये 1 जून से ओपन है और यहाँ पर आप बुक कर सकते हो। हेलो हाय। तो बेसिकली अभी जो मैंने ना मैंने बटन दबाया ऑन करने का, वो बेसिकली कैमरा ऑफ हो गया तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सका वो चीज़। लेकिन इसने बताया कि 47 pounds में 6 घंटे का ट्रिप वो देते हैं जिसमें फूड इंक्लूडेड है। 47 pounds ईच। हाँ ईच ईच पर्सन। और ये ग्रुप बुकिंग्स भी लेते हैं और आप बुक कर सकते हो 6 घंटे, मतलब 6 घंटे में आपका बेसिकली आपको ले जाएंगे अंदर समुंदर के, वहाँ पर आप रिलैक्स करो, स्विमिंग करो, वापस आओ, खाओ पियो, और फिर उसके बाद ड्रिंक्स जो है वो एक्सक्लूडिंग है, ड्रिंक्स अलाउड इसमें नहीं है, उसके अलग पैसे होंगे। और यहाँ पर एक बोट है, आई थिंक ये पुरानी बोट है, उसको रेनोवेट कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये हार्बर है, यहाँ पर शिप्स की रिपेयर शिपेयर होती है। और पीछे है हमारे कैसल, पूरा बड़ा बड़ा कैसल है। अगर इस तरह की जो बोट है ना, अगर यूके में हो या किसी यूरोपियन कंट्री में हो ना, तो वो आपको कम से कम 200 pounds चार्ज करेंगे, 200-250 pounds चार्ज करेंगे पर पर्सन। हम ऑस्ट्रिया वगैरह गए थे, ऑस्ट्रिया वगैरह हर जगह में ना एक बीच में यूरोप में आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि हर जगह वहाँ पे रिवर है, और वहाँ पे रिवर साइटिंग अपने करनी हो, क्रू साइटिंग करनी हो, सी साइटिंग करनी हो, तो उसके लिए लिटरली आपको मतलब आधे आधे घंटे के लिए आपको 30-30, 35-35, हाँ मतलब ये मिनिमम बता रही हूँ मैं, ये तो मिनिमम है, ये यूरोप मतलब बहुत एक्सपेंसिव उसके हिसाब से 47 pounds फॉर सिक्स आवर्स इंक्लूडिंग फूड, ये तो मतलब एंड ड्रिंक्स। नहीं ड्रिंक्स अलाउड नहीं थी, ड्रिंक्स नहीं थी, नहीं नहीं बोला उसने ड्रिंक्स एंड फूड। अच्छा हाँ कुछ सुना तो मतलब 47 यार 50 pounds में जब इतना कुछ मिल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना कुछ एक ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ के कि ऊपर से कैसा लगता है। ऑब्वियसली नीचे से तो लग रहा है अच्छा, ऊपर से भी शिप्स लगी हुई हैं, बोट्स लगी हुई हैं, और यहाँ पर आप बोट बुकिंग भी करा सकते हो। वहाँ पर ना वहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स हैं बेसिकली, वहाँ पर हम जाके वो वॉक कर सकते हैं वहाँ पर जाके एंड में। लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर मस्जिद भी है पीछे तो अजान चल रही है। लेकिन अभी हम ऊपर जाते हैं, ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी अंदर जाते हैं देखते हैं क्या है। नहीं नहीं अभी मैंने देखा नहीं है, मतलब बाहर बोर्ड लगा था 50। हेलो हाउ मच इज इट? 50। तो प्यारा लग रहा है। तो बेसिकली आप अगर जनरल पब्लिक आना चाहती है तो 50 टर्किश लीरा, और जो कि तकरीबन 100-125 रुपए होते हैं, और अगर स्टूडेंट हो तो 20 टर्किश लीरा, और जो कि 20 इज इक्वल टू लाइक 50 रुपीस। तूने तो स्टूडेंट डिस्काउंट ले लिया। पर मेरे पास क्या है, मैं एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ ठीक है, उसके उसका मेरे पास आईडी था। अच्छा ये क्या है यार, अंदर तो अंदर। अच्छा ये एंट्रेंस है, यहाँ जा रहे हैं पहले। बेजेंटीन चैपल है यहाँ पर, यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है। ये जो हमें पूरा वो लग रहा था, हमें कास्टल लग रहा था, बट ऑब्वियसली ये जो पैसेज है ये चर्च को जाता है, और ये बनाया गया था, दिस डोम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। तो वही जैसे कि हमें बताई है कि यहाँ पे भी ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था इस कंट्री को भी,
तो ये कुछ यहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी जो ब्रिटिश के टाइम की बनी हुई है. एंड दिस चर्च इज वन ऑफ देम. और थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, लाइट क्यों नहीं है यहाँ पर? आई डोंट नो, वो सेंसर लगे हुए हैं लेकिन देखो हमें यहाँ पर कुछ लिविंग स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ तो नहीं मिलेगा. यहाँ पर खंडर ही है, एंशिएंट टाइम की है, तो ये बेसिकली अलग अलग तरीके अलग अलग रूम्स हैं यहाँ पर. तो जो सर्वेंट लोग थे वो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रह सकते थे. लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अंधेरा बड़ा है. मैं अपनी मोबाइल की लाइट ऑन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. और इस तरह की दीवारें हैं यहाँ पर, कैमरे पर इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पा रहा लेकिन यू कैन सी लाइक, मतलब ये है यहाँ पर. तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं और वेंटिलेशन के लिए इन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है पूरा वेंटिलेशन के लिए. ओके लेट्स गो. हाँ ये थोड़ा ज़्यादा लाइट है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर सिर पे देखना, बचा के रखना. तो यहाँ पर जैसे ये रूम सा छोटा सा ये एली पाथ सा बना हुआ है. हाँ अरे यार ये तो भूल भुलैया टाइप की मुझे लग रही है. हाँ ओ आगे से बंद गया यू क्या है. ओ यहाँ पर भी है कुछ, मगर ऑब्वियसली ये कुछ आई थिंक ये वो है जो यहाँ पर ना अटैक करने के लिए कुछ सोल्जर्स माइट भी रहते हों अंदर छुप के. पर ये है, ओ माय गुडनेस यार इट्स लवली. पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन आई होप कैप्चर हो रहा हो. लेकिन ये स्ट्रक्चर है और लकड़ी के बीम्स हैं ये छोटे छोटे, और ये बिग पिलर्स हैं मार्बल के या पत्थर के हैं. यार हम भूल भुलैया में घूम गए लगता है. तो चलो अच्छा ये वहीं पे है, अच्छा घूम के वहीं पे जा रहे हैं. ये साइड चले देखते हैं, भाग भी जाते हैं. लेट्स गो इनसाइड. ये किसी की ग्रेव लग रही है, टॉम्ब ऑफ ऑटोमन एडमिरल सादिक पासा. उसकी ग्रेव है ये, ऑटोमन एडमिरल, कोई एडमिरल होगा ना, ऑटोमन एडमिरल उसकी ग्रेव है. एग्जिट को बोलते हैं सिकिस, और स्टॉप को बोलते हैं DUR, टूर. ये मतलब साइन बोर्ड्स मैंने देखे हैं जो रोड पे होते हैं ना, टूर. यहाँ पर कुछ है लेकिन वो भी बेसिकली लॉक है. यहाँ से ऊपर जाके हम कैसल की वॉल्स पे वॉक करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद. लेकिन ये देखो कैसल की यार कितनी पुरानी है यार, मतलब देखो किसी टाइम पे यहाँ पर सिविलाइजेशन होती होगी, मतलब रहती होंगे लोग, और कितना फ्लरिश कर रहा होगा यहाँ पर सारा कैसल के अंदर. यहाँ पर देखो ना ये इनका कोर्ट यार्ड सा बनाया हुआ है, तो कोर्ट यार्ड में बेसिकली यहाँ पर लोग खाते पीते, रेस्टोरेंट्स. कुछ स्टोन्स है, हाँ हो सकता है ये यहाँ पर ना कोई वो स्टैचू लगा हो पहले. तो आई एम श्योर वहाँ पर कोई ना कोई हिस्ट्री तो लिखी होगी. तो पत्थर ने रखे हुए हैं पुराने, मार्बल जो बचे हुए बेसिकली. आई थिंक ये क्रॉस पड़ा होगा ना वहाँ पर, तो ये बेसिकली माइट भी यहाँ पर कोई बड़ा क्रॉस लगा हो या पुराने टाइम पे कुछ हो. यंग स्टेप्स बड़े हुए हैं, स्टेप्स के ऊपर चढ़ के कोई स्टैचू होगा या क्रॉस होगा. ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है कुछ, क्योंकि यहाँ पर ग्रीक का भी काफी इन्फ्लुएंस होता था पहले. और डेफिनेटली ये फ्रिज तो पार्ट ऑफ द कैसल नहीं है. यहाँ पर है छोटा सा एक रेस्टोरेंट कैफे. Do you have ice creams? Do you take card payment? Yes. Yeah. And we have, yeah, we've got both. Yeah. भाई ये गर्मी है ना, यहाँ पर आइसक्रीम के बिना और पानी के बिना तो चलता नहीं है काम. आइसक्रीम आई है ये, मतलब बेसिकली मैग्नम आइसक्रीम है. कितने की मिली है? 170 लीरा. 170 या 600? 170 लीरा दोनों के. 170 लीरा डिवाइड बाय 40 इन पाउंड्स, और जो इंडियन करेंसी में तकरीबन 400 रुपए के आसपास होती है, 200 रुपए की एक आइसक्रीम, तो मतलब नॉट बैड. यहाँ से हम आए थे तो यहाँ से एंट्री करके यहाँ से घूम के यहाँ से आइसक्रीम खा के
अब हम बिल्कुल इधर से जा रहे हैं और छोटे छोटे रूम्स हैं ये, आई थिंक ये म्यूजियम है, मगर बंद क्यों है यार ये? जैसे ये म्यूजियम है ना, दिस इज क्लोज, ओह दिस इज ओपन, वाओ दिस इज ओपन। मैं कहूँ मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा, चलो चश्मा डाला हुआ है आँखों पे और इतना अंधेरा क्यों है, अब समझ आएगी अंधेरा क्यों है, चश्मा डाला हुआ था। ये रस्सी बांध के ना नीचे बेचते थे पानी में और ये टकराते थे, उसका साउंड प्रोड्यूस होता था, तो उससे वो अंदाज़ा लगाते थे कि कितना गहरा है, कितना पानी गहरा। हाँ तो ये यूज्ड एज ए गेम फॉर रीडिंग फ्यूचर, ओ भैया शकुनी मामा के पास है, यूज्ड टू प्ले एज ए गेम और फॉर रीडिंग फ्यूचर। फिर उसके बाद ये क्या है, हेड रिंग्स, और ये क्या है यार, एलमंड्स, एलमंड्स हैं ये, हाँ उन्होंने लिखा है एलमंड्स, तुर्किश में बोलते हैं बदाम मिलर, ये फिग, फिग सीड्स, ऑलिव स्टोन्स, और ये है ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब ग्रेप के मतलब बीज होंगे। ये शिप होती थी ना वहाँ पर स्टोरेज चीज़ें रखते थे, ऐसे बैरल्स स्टोर रखते थे ये ना, वही बेसिकली इन्होंने ये रखा हुआ है, मतलब ये ओरिजिनल है बेसिकली, तो ये ऐसे स्टोर करते थे शिप्स में, मतलब ये शिप्स का वो होता था जो यू शिप टाइप का नहीं होता, जो शिप वगैरह खाना वाना, हाँ मतलब खाना वाना, माइट बी कभी ड्रिंक्स या तेल या जो भी मतलब खाने पीने का स्टोरेज, ग्रेन, तो ऐसे स्टोर करते थे इनमें, इन चीज़ों में। और ये कुछ पेंटिंग ऐसी पुरानी, पुराना हार्बर बताया हुआ है, ये है पुराना मैप, अभी हम पता कहाँ पर हैं, अभी हम हैं यहाँ पर, ये आई थिंक एशियंट मैप है, और ये है तुर्की, मतलब देख लो कितना बड़ा तुर्की होता था, अभी भी है वैसे, तो ये है वो, तो बेसिकली इनका ये रूट होता था ट्रेड का यहाँ से, ये कायरेनी है, यहाँ पे हम हैं अभी, हाँ यहाँ पर अभी हम हैं, तो ये यहाँ पर उनका ट्रेड रूट होता था, यहाँ से शिप्स आती थी सारी यहाँ तक, हाँ सीरिया इस तरह का ना, राइट साइड पे सीरिया हमारा, इस तरफ तुर्की है और ये है यूरोप, हाँ यहाँ से हम फ्लाई किया था यहाँ तक, बेसिकली हमने लंदन से फ्लाई किया इस्तांबुल, इस्तांबुल से हमने फ्लाई किया साइप्रस। ट्रेड की ना देना, मछली पड़ी हुई है, मछली पड़ी हुई है, वो ट्रेड कर रहे हैं है ना, वो ट्रेड का सामान जो है लद रहे हैं अपने शिप्स पे, लद रहे हैं कहीं और जा रहा है सामान, वो आ रहे हैं। एक बहुत मैं ये ध्यान में आई, मतलब एक पाउंड ही लगा एक बंदे का है ना, वन पाउंड जो है सौ रुपये की टिकट है, और 100 रुपये में आपको मतलब इतना कुछ दिखने को मिल रहा है। मैं बेट लगाने को तैयार हूँ, अगर ये यूके में होता ना या किसी भी यूरोपियन कंट्री में होता, ये कम से कम 25-30 pounds, मतलब 3,000 से कम नहीं होता ये। अच्छा ये जो हमें देखे ना नीचे, ये जो पड़े हुए थे, ये इनको बेसिकली समुद्र मिले हैं, रैक बरीड इन सैंड मड, वॉज फाउंड इन 1967 एंड ब्रॉट टू लाइट ड्यूरिंग 1968-69। जो नीचे नहीं दिखाया अभी मैंने, वही वो सारे इनको समुद्र में बरीड थे, वो उनको मिले हैं, शिप रैक बोले बेसिकली, कोई शिप कोई होगी डूब गई होगी तो उसका सामान, तो ये उसकी फोटोज दी हुई हैं, देखो ना कैसे, हाँ ये अंडरग्राउंड सारा, ओह ऑक्टोपस काफ़ी इंटैक्ट कैसा लगा, मतलब कंडीशन ठीक है, सॉलिड वॉल्स हैं यार पत्थर की। बाहर चलते हैं, मौसम तो है यार, बाहर आके ना आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी सारी धूप है, और कितना प्यारा लग रहा है बीच में ना, ये इन्होंने फूल लगाए हुए हैं, और कैसल के पीछे फूल, बीच में फूल, पुराना कैसल, ब्यूटीफुल। प्रोजेक्ट फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन, इज ए कल्चरल हेरिटेज फंडेड बाय द यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर टॉयलेट्स भी हैं, अगर ओह यहाँ पर टॉयलेट अंदर जाने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ 50 cents। अब पीछे मेरे ना टॉयलेट है, और यहाँ पर ना टॉयलेट यूज़ करने के लिए आपको 50 cents देने पड़ते हैं, और आई थिंक मुझे आवाज़ आई है, रेनू ने क्या किया, वहाँ पर अपना पाकिस्तानी भाई बैठा हुआ था, तो उसको बोला यार मेरे पास चेंज तो नहीं है, ना ही मेरे पास 50 cents हैं, तो जाने दो यार, तो उन्होंने जाने दिया। अपने भाई यहाँ पर काफ़ी होते हैं पाकिस्तानी स्पेशली, मैंने काफ़ी देखे हैं, और वेरी हेल्पफुल। हो गया था तो कैश, और मिल गए वहाँ पे अपने अपने जान पहचान के लोग,
बंदा जो बैठा था पहले मुझे कहता कुछ सुपुर सुपुर सु मैं इंग्लिश में बात कर रही थी, जब मैंने देखा हिंदी का कंटेंट देख रहा था फोन पे, इनका भैया जाने दो यार, ओ जाइए जाइए जाइए। मैं वही बता रहा था, मुझे आवाज आई थी, मैंने बोला यार पक्का कोई अपना बंदा पाकिस्तानी भाई मिला है, अपने बंदा का यही फायदा होता है, दिखाया जाता ना मतलब पाकिस्तान दुश्मन है दुश्मन है, लेकिन यार आपको बाहर पाकिस्तान के लोग मिलते हैं ना सही में इतने हम्बल और इतने अच्छे होते हैं ना। जिस भी रेस्टोरेंट में हम गए ना वहाँ पर हमें कम से कम एक बंदा तो हमें मिला है जो पाकिस्तान से वहाँ पर काम कर रहा है। हम लोग मतलब इंडियन है या पाकिस्तान मतलब इंडिया अपने लोग ही हैं मतलब वहीं के हैं, तो मतलब वो लोग एक्स्ट्रा चीजें आके, अरे यार उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस दी ना कसम से, कभी कुछ लाएं कभी कुछ लाएं, तो मतलब रियली यार थैंकफुल। ओके लेट्स गो अगेन। अरे यार चश्मा डाल के मैं जा रहा हूँ अंदर, तो मैं बोला अंधेरा क्यों है, लेकिन तब भी अंधेरा है यार, ऐसी बात नहीं है, अंधेरा तो है, अंधेरा तो है। याद है एक बार हम गए थे ग्रीस, वहां पर ना नेचुरल नहीं नेचुरल केव थी वहां पर, याद है जब एक्रोपोलिस से वापस आ रहे थे हम दूसरी तरफ से, वहां पर नेचुरल केव थी और वहां पर हम गए थे, वो बिल्कुल मतलब पहाड़ियों के बीच में ना नेचुरल केव बनी हुई थी और वहां पर लोग रहते थे, तो उन्होंने एज ए म्यूजियम टाइप का बनाया था, तो वही इसी तरह की फीलिंग दे रहा है, मगर ऑब्वियसली ये किला है। तो यहाँ से देखो यार कितना अच्छा लग रहा है, यू नो आसपास पाम ट्रीज और बीच में छोटा सा कैफे और आसपास दीवारें हैं कैसल की, तो एक काम करते हैं ऊपर चलते हैं। अरे यार इसकी तो सीढ़ियां ही बड़ी ऊंची ऊंची हैं, मैं तो अभी से थक गई, एक एक फुट की एक एक स्टेप है, लेकिन यहाँ आके आकर टॉप पे जाके पूरे शहर ही देखा। नाइस यार यहाँ तो पूरा बर्ड्स आई व्यू नजर आ रहा है, ऊपर से दिखाता हूँ। वाओ कैमरा कभी भी किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं जो हम देख रहे हैं वो रिकॉर्ड करें। पूरा एरिया ना पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इस तरफ समुंदर है मेडिटेरियन सी, इस तरफ पहाड़ियाँ इस तरफ पहाड़ियाँ इस तरफ पहाड़ियाँ। यहाँ से ना उन्होंने थोड़ा बंद किया हुआ, आई थिंक रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, वो बिल्कुल सीधा जाता है, वहाँ पर सामने टर्की का लोकल फ्लैग लगा हुआ है, पीछे समुंदर। तो हम शिप में अभी पता नहीं कर रहे थे जो 47 पर 6 आवर्स के हिसाब से चार्ज करता है, वो जा रही है शिप, लगता है किसी ने हायर की है। हाँ और यहाँ मतलब होटल, और यहाँ देखो होटल पूरे होटल है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स, तो मतलब ये बिल्कुल चिल करने वाली प्लेस है। एक काम करते हैं ना उस तरफ से जाते हैं और हम घूम के उस कोने में जाते हैं, वहाँ पर पूरा व्यू आएगा समुंदर का। ये तो बिल्कुल एज भी है। नहीं नहीं नीचे सपोर्टेड है, तो बेसिकली ये है ना यहाँ पर थोड़ा सा गैप है तो उन्होंने लोहे का वो डाला हुआ है। मैं वही बोल रहा था कि यहाँ पर ना आपको अंदर भी जाने दे रहे हैं, अंदर मतलब रूम्स खुले हैं ओपनली, आप जाओ अंदर। अब आगे फ्यूचर में खुला होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक तो खुले हैं। घर में भी जैसे परफेक्ट वेदर है क्योंकि हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है ना जैसे परफेक्ट वेदर है परफेक्ट जगह। हाँ मतलब इससे बेस्ट क्या मांग सकते हो तुम यार, एक तरफ कैसल दूसरी तरफ इतना बड़ा समुंदर मेडिटेरियन सी, और वहाँ वो भी बुक कराएंगे जो शिप है। हाँ देखते हैं अभी दोबारा, अगर आज वैसे काफी टाइम है हमारे पास, अभी बजे हैं तकरीबन 2 बज रहे हैं दोपहर के, हमें लंच तो करना ही है। पिछली साइड हमारे है सिटी और कायरेनिया, ये ना इनके ना बस एक चीज है इसको प्रोनाउंस करना याद है, कायरेनिया निकोसिया लेफकोसा, तो जहाँ पे हम थे वहाँ लेफकोसा, हम रहे हैं लेफकोसा में, लेफकोसा कैपिटल है नॉर्थ साइप्रस की, और जहाँ पर हम रुके हुए थे। ठीक है आपको पहले इस तरफ की सिटी दिखाते हैं, सिटी वो रही हमारी गाड़ी वहाँ पर हमने पार्क किया था। अरे इतना चल चल के आए तो यहाँ पहुंचे हम। वहाँ पर गाड़ी लगाई हमने, हम कैसल नीचे से देख रहे थे, अब हम कैसल हाँ, तो वहाँ पर गाड़ी लगा के हम वॉक करके यहाँ से आए हैं, पूरा वहाँ से कैसल को घूम के ऊपर अंदर आए और अभी हम ऊपर हैं कैसल के। हम जब इधर आए थे ना तो हमें लग रहा था बड़ी गर्मी होगी, बट वेदर वैसा वेदर है जैसा सही में मैंने इमेजिन किया था, मतलब मुझे मैं चाहती थी जब भी मैं बाहर जाऊँ ऐसा वेदर हो, क्योंकि ना तो एक्सट्रीम हीट आप टॉलरेट कर सकते हो ना तो ज्यादा ठंड, और ये बेस्ट वेदर है। हाँ मतलब पसीना नहीं आ रहा, ठंड भी नहीं लग रही और गर्मी भी नहीं लग रही, परफेक्ट वेदर। और ब्लू पानी, मतलब वो जो हनी सिंह का गाना याद आ रहा है, आज ब्लू है पानी पानी, तो वही वाला गाना मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल सूट करता है। मैजिकल। और इसकी जो एज है ना काफ़ी शार्प है, थैंकफुली इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं, लेकिन लुक एट दिस यार, मतलब यहाँ से आपका पानी बिल्कुल कमर तक पानी है, और वो पत्थर नज़र आ रहे होंगे जो डार्क ब्लू कलर है ना वो पत्थर है, और थोड़ा सा नीचे जो गहरा पानी है वो लाइट ब्लू है, लेकिन आप देख सकते हो पूरा एंड तक वो पीछे शिप्स खड़ी हैं, भी कार्गो शिप्स हैं या आई डोंट नो टूरिस्ट की शिप्स हैं, लेकिन वो शिप्स वहाँ पर खड़ी हैं,
और यहाँ पर देखो यार, वाओ फोटोजेनिक। और यहाँ का मैं ड्रोन शॉट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो आई थिंक आप नेक्स्ट ड्रोन शॉट इंजॉय करो, तब तक हम उस कोने तक पहुँचते हैं। वहाँ पर थोड़ा पानी, थोड़ा ना नॉर्मल सा पानी है, वहाँ पर मैं नहाने लगा हूँ। विटामिन डी ले लो बेटा, और के जाके नसीब नहीं होगी विटामिन डी। कभी कभी फील होता है कि जब हम कहीं जाते हैं ना, और उस जगह को आप इंजॉय करते हो, उस जगह को आप ऑब्जर्व करते हो, तो आपको फील होता है कि ये जो जगह है यही है दुनिया का एक ऐसा जगह जिसमें आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ जीना चाहते हो। लेकिन आपको वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि वो आपका टेम्प्रेरी हॉल्ट होता है और टेम्प्रेरी आपका एक विजिटिंग प्लेस होती है। इसी तरह आई थिंक लाइफ में भी ना, आपको अपनी पुरानी चीज़ों को, पुराने अटैचमेंट्स को, पुरानी ऑब्जेक्ट्स को पीछे छोड़ के, जो आपकी लाइफ में आज नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप अपना नया जीवन, अपना नई लाइफ स्टार्ट कर सको। और आई थिंक यही एक लेसन मुझे यहाँ से भी ऑब्जर्व हुआ है कि हार्बर्स में जब मैं जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि शिप्स आती हैं जाती हैं। सेम अप्लाइज टू ट्रेन स्टेशन, बस स्टॉप्स, वो आती हैं जाती हैं, तो किसी के लिए रुकती नहीं है वो। इसी तरह लाइफ में भी आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो हमने इसका अगला पार्ट भी बनाया है, जो कि हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।